मामले में पंचायत सचिव सहित दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक भट्टा वाली गली निवासी हेमराज शर्मा अपने भाई के साथ बाजार जा रहा था, जब वह बधपुरा के पास उसकी पंचायत का सचिव हेमराज रावत अपने घर के बाहर खड़ा मिला, जिस पर उसने एक वाटर प्लांट के प्रमाणीकरण की बातचीत की है। इसी बीच हेमराज अमित ने गाली देकर मना कर दिया। जैसे कि आप लोगों के साथ में अभी ये मारपीट की जो घटना हुई है वो कैसे और कहाँ हुई है? सर, मैं एक बर्फ फैक्ट्री खोल रहे थे हम, तो हमने हेमराज सिंह रावत जो हमारे यहाँ के सेक्रेटरी खुदगान पंचायत थे उनको कॉल किया था दोपहर में। मैंने सर मुझे साइन कराने परमिशन लेने के लिए, तो बोले थे बोले आज की मेरी तारीख है तुम शाम को आकर के साइन करा लेंगे। मैंने सर आपके घर कहाँ पे? बोले बंदपुरा रोड पर है, तुम आ जाना मैं साइन कर दूंगा। मैं जैसे ही वहाँ से निकल के जा रहा था मुझे देखे, तो मैंने बोला सर मैं लेके आ रहा हूँ रजिस्ट्री लेकर के आया उनके यहाँ पर। मैं गया, मैंने सर साइन कर दूँ आप रास्ते वो खड़े थे वहाँ पर उनका मकान है, तो उन्होंने बोला यहाँ क्या तुम मार चुकाने आया क्या साले बाग यहाँ से? तो मैंने उनको बोला सर गाली मत दो आप, मैं आपने बोला तो इसलिए साइन कराने आया हूँ। तो इतने में पास में एक ऋषि रावत करके टीचर है वो भी आ गए, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरा छोटा भाई इसके साथ मारपीट हुई। फिर उनका लड़का आ गया राहुल रावत, वो अपने साथ में आता सर और इसके ऊपर बेल्ट से मार दी, हाथ पैरों से मार दी थी, चेस्ट से बाहर के लिए खून निकाल दिया था। फिर मेरे कपड़े वपड़े फाड़े फाड़े और कमरे में बंद करने की धमकी देने लगे। मैंने कहा बंद मत करो आप, तो बोले तो बोले अगर तू रिपोर्ट डालेगा ना तो हम तुझे मार देंगे, अगर रिपोर्ट नहीं डालेगा तो छोड़ देंगे और चोरी का नाम लगा देंगे तेरे ऊपर तेरे।